कामनी जॉब लगवा रहा था यार दूर से, वो इसी ब्रांच में तुम्हारे साथ तुम्हारे अंडर में काम क्यों करना है उसको? उसे क्या जब से जानू हो गई जिंदगी, एक जिंदगी को तड़का लगना जरूरी होता है। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सुपर हिट। कैसे हो आप लोग? तो भाई इंट्रो करने का ज़्यादा मौका मिला नहीं था, इसलिए जहाँ बॉस वैसे ना वहाँ के इंट्रो कर रहा हूँ। प्रैंक क्या होने वाला है पता चल गया होगा टाइटल से, क्या होने वाला है भाई आज बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज जो प्रैंक है ना वो बड़ा मसालेदार प्रैंक है। और बहुत दिन से लोग आप मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स भी कर रहे थे कि भाई कामनी अपने एक्स गर्लफ्रेंड को लेके आओ। तो भाई टाइटल से पता चल गया होगा कि भाई आज मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की जॉब लगाने वाला हूँ अपने ही ऑफिस में। रिएक्शन आई हैव नो वर्ड्स, क्या रिएक्शन आएंगे भाई साहब सुनते ही। उसके ना अभी तोते ना उड़ जाने हैं, तो अभी फ़िलहाल फ़ोन मैंने लगा दिए हैं, बस जाना है और भाई साहब आग लगा देनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। सर गुड आफ्टरनून सर, वो मैंने ना आपको एक वो रिज्यूम मेल करा था, देखा क्या? अच्छा अच्छा सर, वहाँ पे लड़के की नीड है। हाँ सर मुझे पता है वहाँ। सर मैंने जिस लड़की का आपको मतलब रिज्यूम भेजा है ना, सर बता रहा हूँ बहुत स्मार्ट है। क्या चाहते हो? नहीं नहीं मेरा कहना मतलब है स्मार्ट मतलब कि सर काम को लेके बहुत स्मार्ट है, मतलब वो मतलब कैप्चर पावर बहुत अच्छी है उसकी। सर प्लीज सर मुझे पता है, मुझे बताया था आपने सर, लेकिन सर प्लीज एक बार मेरे कहने से ना एक बार इंटरव्यू ले देकर देख लो आप। सर बहुत ही डेडिकेटेड लड़की है, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है और नीड भी बहुत ज्यादा है जॉब की। हाँ हाँ सर गारंटी मेरी है ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ ना। अरे सर एक बार को ना मैं सच बता रहा हूँ आपको, एक बार को मैं अपनी ना बीवी की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन उसकी गारंटी मैं आप बंद करके ले सकता हूँ सर। अच्छा सर वो अगर अच्छा अजीत अगर होता तो अजीत के अंडर में होगा। सर मैं क्या सर एक फेवर कर दो ना सर, प्लीज एक फेवर कर दो ना सर। मैं कह रहा था कि अगर वो लगती है तो सर उसको मेरे अंडर में कर देना ना सर, मैं दे दूंगा ना ट्रेनिंग सर। एक दूसरे को जानते भी ना एक तो, और मैं अच्छे से सिखा दूंगा ना उसको। सर बहुत डेडिकेटेड है, बहुत ज्यादा। सर मेरी गारंटी है, अगर आप मतलब कमिटमेंट में फेल हुआ ना सर, सबसे पहले मेरे को निकाल देना नौकरी से, और बताओ उसको बाद में निकालना, पहले मुझे निकाल देना। ठीक है सर, मैं कल ऑफिस भेजता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मतलब मेरी बात सुनी सर। वो भी आपको मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब आपको दुआ ही देगी अगर मतलब बंदी उसका हो जाता है तो। ठीक है सर, थैंक यू, मैं बोल देता हूँ सर कल ऑफिस में आने के। सर किस टाइम? 11 बजे तक। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। अरे यार वो उसकी लगवा रहा था ना जॉब, एक दोस्त है कौन? एक है दोस्त तो, अरे है एक दोस्त ना। अरे तो भाई तो मैं ही पूछ रही कौन से था वो उसपे, तुम तो सीसी कह रहे तो करती है ऐसे कुछ कर रहे थे, क्या मतलब कौन है? अरे यार मैं कामनी की जॉब लगवा रहा था यार। कामनी की जॉब इस वाले ब्रांच में? अपने ऑफिस में। हाँ क्यों यार, जहाँ वो कर रही थी वहाँ छूट गई नौकरी उसकी, तो तुम लगवा रहे हो? हाँ क्यों, उसके मोहल्ले और उसके कॉलोनी में हर जगह आग लग गई है क्या जो तुम अपने यहाँ इतनी दूर लगवा रहे हो? यहाँ नहीं होगी वो, फिल्म दिल्ली की तरफ मूव करना चाह रही है तो उसका तो पता नहीं, तुम जरा मूव कर रहे हो क्या मूव कर रहे हो? अपने ऑफिस में लगवाने का उसके लायक नौकरी थी मेरे यहाँ पे,
उसने मेरे को बोला था फोन करके यार अमर मैं बहुत परेशानी में हूँ, कहीं मेरे को जॉब नहीं मिल रही है। उसने बोला ना मतलब तुमने जरूर फोन कर लिया होगा। फोन नहीं कर लिया मैंने, उसको बोला हुआ था भाई मैंने कभी भी कोई परेशानी आए ना कभी किसी टाइम जिंदगी में तो एक बार याद कर लियो। हाँ बिल्कुल, मैं तो हूँ ही समाज सेवा करने के लिए। तो मैसेज भी बॉस को मैसेज भी आ गया, ओके कर दिया, कल 11 बजे बुलाया मिलने के लिए। तुम उसको अपने ऑफिस में काम नहीं दोगे ना, दिलवाओगे? क्यों, क्या दिक्कत है? दिक्कत ही दिक्कत है, मुझे दिक्कत है। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें तो दिक्कत है। अपने ऑफिस में काम दिलवाते हैं भाई। अरे एक्स को क्या यार, वो अपने अलग जॉब करेगी, मैं अलग। उसका दूसरे किसी और ब्रांच में बुलवा दे, यहाँ क्यों बुला रहे थे दूर? क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? मेरी गारंटी नहीं है, उसकी गारंटी मैं 100% ले सकता हूँ। तुम सुन रही थी क्या मतलब पीछे सारी बातें? मोम अगर के बात कर रहा हूँ, लाउडस्पीकर लगा के किचन में सुन नहीं रही हूँ, कान में रह रहे हैं क्या? जासूसी करती रहती हूँ हर वक्त मेरी। उसमें जासूसी वाली बात क्या आ गई, जब खुद ही इतनी तेज तेज बात कर तो मैं सुनाई नहीं देगा, कोई जरूरत नहीं है उसके अपने ऑफिस में काम लगवाने की। भाई मैं तो लगवाऊंगा इस वक्त, वो बहुत परेशान है। लगाओगे ना, ट्रेनिंग तो देनी है तुम्हें। क्या दिक्कत होगी ट्रेनिंग में? दिक्कत है क्यों नहीं, दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है, क्यों लगवाओगे अपने ऑफिस में? बोल दिया नहीं लगवाओगे तो नहीं लगवाओगे। भाई औरत तो औरत ही सदा सदा से दुश्मन रही है, मतलब तुम्हें तुम्हारा ये घिसा पिटा डायरेक्ट मारा, जितना मैंने बोल दिया उतना सुन लो बस, नहीं लगवाना। क्या है मतलब कोई बंदा किसी की दो वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए किसी के थ्रू तो कोई दिक्कत है क्या? इतनी दूर से वो इसी ब्रांच में तुम्हारे साथ तुम्हारे अंडर में काम क्यों करना है उसको? उसका तो मुझे पता नहीं है, उसका पता नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे मुझसे तो सुनने में आ रहा ना। आज से 8 साल पहले जब मैंने कहा था कि अपने ऑफिस से मुझे लगवा दो तो कितने सारे एक्सक्यूजेस दिए थे, ऑफिस अच्छा नहीं है, ये ऐसे कमेंट्री करता है, वो ऐसे कमेंट्री करते हैं, जब तक मुझे क्यों नहीं लगवाया फिर? मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्या हो गया था फिर उस टाइम पे, क्यों नहीं लगवाया? तो माहौल ठीक नहीं था उस टाइम, इसलिए नहीं लगवाया तुम्हें। माहौल ठीक नहीं था, मैं जो कह रहा हूँ ना, तुमने मुझे ही लगवाना, किसी को नहीं लगवाओगे, ध्यान रखना। तुम्हें क्या लगाऊ? अब मैं क्या लगूंगा, अब तो मैं बच्चों को उसमें पालन पोषण में लग रही हूँ ना, जब नहीं थे बच्चे तब मैंने कहा था ना कि लगवा दो मुझे अपने ऑफिस में, तो क्यों नहीं लगवाया था उस टाइम पे? बोला तो वहाँ का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं था उस वक्त, तुम्हारे लायक नहीं थे वहाँ जॉब। अच्छा, जिसके लायक उसके लिए तो लगवा ही रहे हो, है ना, अपने अंडर में ही काम हो। अपने अंडर में रहेगी तो जल्दी काम सीखेगी ना। मुझे पता है सब कुछ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, ठीक है, दिमाग तो चलाओ मत अपना, जितना बोला उतना कोई जरूरत नहीं लगाने की। अगर पता लग गया ना कि तुमने उसका लगवा दिया है, बता रही हूँ मैं। ये भगवान, ये प्रथा कब खत्म होगी, जब औरत दुश्मन होना बंद हो जाएगा जिसका? चलो अपना घिसा पिटा हुआ डालोगे, जितना बोलो उतना आदमी औरत दुश्मन हो जाएगी। भाई मेरे को ना तो कोई आंधी रुकती ना तूफान रुकता, मैं उसे लगवा के रहूंगा, ठीक है ना, और मैं लगवा रहा हूँ। तुम नहीं लगवाओगे, मैं ही लगवाऊंगा। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मुझे अगली बेचारी का घर चलने लगेगा, उसका घर चलने लग जाएगा, कितनी टेंशन है। अरे दोस्त है यार मेरी, यार तुम क्यों नहीं समझती चीजों को यार, हमारे दोस्त हैं। अरे बाबा मत, मेरे कहने मतलब है दोस्त मतलब कि दोस्त है, जो था वो था पहले यार, वो सब खत्म हो चुका है। तुम्हें झूठ बोल रहा है, कितनी बार कभी कोई खत्म नहीं होती, कोई चीज खत्म नहीं होती। नहीं लगवाओगे इतनी सी बात मान लो मेरी, नहीं लगवाना, उसको बोल दो हमें लगवा दो, कहीं और बात कर लो भाई, बहुत सारे वेबसाइट से हम अपना रिज्यूम अपलोड कर दे, कोई जरूरत नहीं तुम्हारे ऑफिस में लगवा लो। भाई बीवी एक ऐसा प्राणी है जिसके दिमाग में शक का कीड़ा आ गया ना, वो निकलता नहीं है, मतलब वाजीवा मुझे नहीं लगाने दिया वहाँ पे, और अब किसी और को लगाने के लिए इतना अप्रोच डाल रहे हो। अरे तुम्हारे लायक नहीं थी जॉब वो यार, उसके लायक भी नहीं है। बेचारी ने पत्नी कितनी आशा के साथ मेरे को फोन करा कि अमर मेरे को यार प्लीज मेरे को कहीं जॉब का अरेंजमेंट कर दो, मेरे कहने पे मतलब वो तो कहीं और लगवा रहे थे, वो मेरे कहने, मैंने कहा जी मेरे ब्रांच में लगवाओ तो थोड़ा सा मैं ट्रेंड कर पाऊंगा। जब बोल दिया नहीं लगवाना है, तुम्हारे चाहे जितनी बकवास करने कर लो, नहीं लगा तो नहीं लगाना। मुझे दुनिया कोई ताकत हो सकती, ठीक है, जाओ यहाँ से। और मैं तो भूल गया कि उसको बता दो तुम, कल ग्यारह बजे आके उसको मिलना है ऑफिस में बॉस से। बता तो दूसरे के लेट ना हो जाए कल आने में यार, नहीं लगवाना तो बैठो बैठो इधर, मस्त प्लानिंग। अरे बात सुनो। क्या सुनो? क्या देखो, उसकी नौकरी लगी तो तुम्हारा ही फायदा है ना। उसकी नौकरी मेरा क्या फायदा है? तुम्हारे दो फायदे,
मैं बता रही हूँ। अरे मैं तुमने बताओ, मैं बताऊंगा। सुनो, तुम्हारा पहला फायदा तुम्हें सुबह के लंच से बिल्कुल फुर्सत, जो तुम लंच के लिए टाटा टाटा करती रहती हो ना, वो बढ़ा के ले आया करेगी मेरे लिए। पहली अरे टाटा मतलब कि कभी कभार की सब्जी नहीं है या नहीं, वो नहीं, उससे फुर्सत वो मेरे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना लेगी। अच्छा। दूसरी बात, ये तो मेरा ऑफिस मन नहीं लगता, थोड़ा सा मन सा भी लगा रहा है यार। दिमाग खराब मत करो, समझे, मन नहीं लगता ऑफिस में। अरे शर्म नहीं आ रही क्या? बोरियत लगती है वहाँ पे कभी कभार मुझे यार। तुम जाओ, मैं ऑफिस में मन नहीं लगा इसलिए। क्यों भैया सटका रहे हो मेरा, क्यों सटका रहे हो? जाओ ना यार, क्यों थोड़ी सी कहीं पर जड़ में थोड़ा सा सावन सा आता है तुम्हें, पता नहीं क्या तुम। अरे मैं मेरी लाइफ में पतझड़ है, थोड़ा सा सावन की लहरें सी आ रही हैं, तो पता नहीं तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें पता नहीं। खुश तो कभी देख ही नहीं सकती जिंदगी में ना। अरे यार बस कर। अरे वैसे जब से शादी है, जब से क्या पूरा करो सेंटेंस को, जब से क्या? अरे तुम जाओ ना यार। जब से क्या जब से जहन्नुम हो गई है जिंदगी। सुन लिया, खुश ताकि सेंटर जहन्नुम को अपनी जिंदगी जहन्नुम मत बनाओ ना, फिर जहन्नुम को जन्नत कर लो ना। तो कहते भगवान तू है ना, अगर इनके मन में तो लग रहा है कि भाई शादी है इसलिए, तो भैया कर दे हमारा काम। जन्नत कहाँ से हो? जन्नत वो तुम्हारे जैसे वो खड़े ना, जन्नत कहाँ से होगी? तो फिर जो लगता लगे, जो करना लगे उस कमीनी को, इसलिए ऑफिस में नहीं लगा। काम नहीं, कमीनी है, दस बार बोलती हूँ भाई, यही बोलती हूँ। मैं बोलूँ थोड़ा सा जवान ऐसी बोलूंगी मैं, और उसको नहीं लगाओगे तो लगाओगे? ठीक है, ऐसा है कि गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन कम से कम उसकी रिगार्ड तो करो ना। नहीं मानोगे तो यार तुम जाओ यार, तुमने क्यों चकरा थोड़े से चेहरे पर खुशी की रौनक आई। रोटी पानी में बना के देती नहीं हूँ कि जो तुम कह रहे हो उसके हाथ से मैं खा लूंगा, आएगी लेकर। मैंने कब मना करा था? तुम भी बड़ा रहता है ना, सुबह 5-6 बजे उठती हो, बच्चों का ये देखना। वो अपनी ना रोटी सीखने के चक्कर में ना मेरे ऊपर निगाह मत लगाओ, बता बढ़िया था। जाओ तुम जाओ, वहाँ जाने के जाओ। फिलहाल तुम अब सोच रहे घर ही जाओ, कहाँ जा रही हो? घर शाम को है? शाम को क्यों? मुझे ड्रॉप कर देना, कल से तुम उसको पिक करोगे ना, तुम्हारा पिक और ड्रॉप ही चालू हो जाएगा। घर क्या करने जा रही हो? लगवाओ तुम लोगों ने, रोटी वैसे मेरा काम आसान हो जाएगा, तो मैं खाली यहाँ पे ठल्ला बैठे क्या करूंगी। मैं जा रही हूँ घर। बच्चों कौन देखेगा? तुम देखो। घर कौन देखेगा? तुम देखो। मुझे कौन देखेगा? है ना देखने वाले तुम्हारे? अरे मुझे तो तुम्हें देखना है, तुम नहीं। मैं क्यों देखूं? तुम कह रहे हो मेरा लाइफ से जहन्नुम हो गई शादी करके, तो भगवान तू है ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं तो इनकी लाइफ को ना सही कर दे। जब मैं इनकी लाइफ में हूँ तो जहन्नुम है ना लाइफ। अरे भगवान है जब तो ये है, ठीक है ना, भगवान नहीं होंगे तो तुम इतनी क्यों इतनी पैनिक हो जाती है? मतलब मैं थोड़ा सा तुम्हारे साथ थोड़ा सा छोटा सा एक मजाक सा करती थी, एकदम सारे भड़ास निकाल लेते, तुम्हारे पता नहीं है क्या? नहीं क्या तुम्हारा पूरी हो जाती है वो आदत ही, मतलब मजाक से तो मार यार साले का खोपड़ी तोड़ साले। अगर तुम घर गई ना, अगर तुम घर गई पक्का फोन करके बुला लूंगा उसे, अभी तो वो आ नहीं रही है। हाँ बुलाना मम्मी से बच जाएगा, तब ऊपर चढ़ के आएगी। अभी तो मेरा फ्लैट दिला दूंगा उसने। अरे जा पहले, झुग्गी दिला सकते नहीं, फ्लैट दिलाऊंगा। गजब बेइज्जती है। नहीं जा रही नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरी जिंदगी में जितनी रौनक और जितनी बाहर तुम्हारे आने के बाद हुई ना, शायद उससे पहले। इतना घसी घसीटे क्यों बोल रहे हो वालों को? कितना घसी घसीटे क्यों बोल रहे हो? अरे सुनो ना, मजाक कर रहा था, तुम तो यार एकदम सीरियस हो गए। तुम यार मैं तुम्हें खाना बना कर नहीं देती, तुम ऐसे से क्यों बोल रहे थे? अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था थोड़ा सा, मतलब कि खाना बन के तो मतलब मिलता है, ऐसे कोई बात नहीं है, मतलब ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं है तुम्हारे से, बट थोड़ा सा ये ना कि एक जिंदगी में तड़का लगना जरूरी होता है। तो ये जा रही है, इससे पहले सामान पैक करे मैं इसको रोक लूँ, वरना बाकी मेरी जिंदगी में जो
पतझड़ है वो आ जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में भाई, वेट करूंगा आपके आपके कमेंट्स का। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। चलो मिलता नई वीडियो, जब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।